वाणी चल रही थी 20-60 हर्ट्ज का प्रातः क्लास। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी भक्ति मार्ग में कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, परंतु वो कथाएं सुनते सुनते नीचे गिरते चले आए। अभी तो हम सच्ची सच्ची कथा सुनते हैं जो सुनकर के बहुत खुश होना चाहिए। ये अमर कथा सुनकर के हम अमर लोक में जावेंगे, इस मृत्यु लोक का तो अभी अंत है। परंतु हम तो अंतमते सुगते का खुशी का खजाना भर करके जा रहे हैं। तो इस कमाई करने में और झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगम युग है, मौजों का युग। एक सेकंड भी ऐसा न जाने पाए जो मौत के बिना हो। जितना जितना औरों की सेवा करेंगे, खुशी का खजाना भरता जाएगा। बस अब तो हमें औरों की सर्विस करनी है। खुद के लिए तो समझना है कि जो पाना था सो पा लिया। हमारी आत्मा तो भरपूर हो गई। बाप सिखलाते हैं कि औरों के लिए रहमदिल कैसे बने। अंधों की लाठी बनना है ना। क्योंकि इस दुनिया में बाप और बाप के वर्से को कोई भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्व से वर्षा थोड़ा ही मिलेगा। वेद का बाप तो एक व्यापी है। एक व्यापी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है और एक ही वेद के बाप से वर्षा मिलता है। इस बात को भी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। जानवर थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करेंगे। कि बुद्धि की एकाग्रता एक में हो सकती है या सर्वव्यापी मानने से हो सकती है। इसलिए ही बाबा ने प्रश्नावली बनाई थी, पूछो अभी स्वर्ग है व नरक है। स्वर्ग कहा ही जाता है जहाँ सही स्थिति में स्थित हो। बनाने वाला है बाप, जो सदाशिव कहा जाता है, सदैव ही सही स्थिति में स्थित रहने वाला है। कभी भी प्रकृति के पांच तत्वों के बस में नहीं आता।
कभी भी कोई से प्रभावित नहीं होता। तुम मनुष्यों से ही पूछते हो, परंतु आज के मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि असली मनु की औलाद नहीं है, मनु की औलाद को ही मनुष्य कहा जाता है। सिर्फ कह देते हैं हम तो मनुष्य हैं, वास्तव में हैं तो जानवर से भी बदतर। ये सवाल कोई भी सन्यासी विद्वान आदि से पूछो, परंतु तुम अभी पूछ नहीं सकते हो। और उनको भी क्या पता स्वर्ग कहाँ होता है। और नरक कहाँ होता है, वो तो समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है। इडियट ठहरे, बिल्कुल ही मंदर बुद्धि है। अभी तुम जानते हो कि सब है औलाद, अंधे की औलाद, बिल्कुल ही धृतराष्ट्र हैं, घोर अंधियारी में है, भले से दुनिया के हिसाब से कितने भी बड़ी बड़ी पोजीशन वाले हैं, कमांडर इन चीफ एरोप्लेन के हैं अथवा लड़ाई के कमांडर हैं, परंतु ये सब तुम्हारे आगे तो कुछ भी नहीं। जब असलियत को जानेंगे, तुम्हारे सामने आवेंगे तो समझेंगे कि हमारे में और इनमें क्या फर्क है। तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी है कि इस समय तो सभी तरफ मौत ही मौत बरपा होना है। अभी भी सब तरफ कितनी मारामारी चल रही है, खौफनाक खतरनाक मारामारी होने वाली है। ऐसे भी होगा कि इन तोपों लश्कर प्लेन्स आदि की कोई दरकार नहीं रहेगी, ये सब खलास हो जाएंगे। बाकी इस दुनिया में थोड़े मनुष्य बचेंगे, ये एरोप्लेन आदि भी बचेंगी, परंतु एक्सीडेंट प्रूफ होंगे। नई दुनिया कितनी छोटी होगी, इतने सब बड़े बड़े धर्मखंड नहीं रहेंगे, सिर्फ भारत ही रहेगा। तुम बच्चों के सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं है
कि आखिरी मौत अभी कैसे आना है। तुम तो जानते हो कि मौत सामने खड़ा है, वो भी कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, और वो जहाँ भी गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। कोई भी लश्कर जरूरत ही नहीं रहेगी, एक एक प्लेन भी करोड़ों का खर्चा खा जाता है। उन सब के पास कितना सोना रहता है, उनका वो सारा सोना समंदर में चला जाएगा। ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कुछ भी बचेगा नहीं। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, जिसमें अनगिनत मनुष्य हैं। तुम बच्चे तो समझते हो कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो अपनी सर्विस में ही बिजी रहना चाहिए और फालतू बातों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कहीं पर भी बाढ़ आदि आ जाती है तो देखो कैसे सभी बिजी हो जाते हैं। कोई खाना खिलाते हैं, कोई पानी पिलाते हैं, पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो अभी तुम विचार करो कि कैसे ये सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। इस दुनिया के तो ऑलराउंड समुद्र ही समुद्र है। समंदर उछाल खावेगा तो चारों ओर जलमयी हो जाएगा, पानी ही पानी दिखाई देगा। बुद्धि में आना चाहिए कि जब हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि थे ही नहीं। ये तो समंदर को सुखा करके तैयार किए गए हैं। नई दुनिया में भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, बहुत थोड़े से होंगे जो रहेंगे, सो भी मीठे पानी पर होंगे। वहां खारा पानी तो होगा ही नहीं। कुएं आदि की वहां दरकार भी नहीं रहती है। जो खुदाई करके कुआं निकालना पड़े, वहां का पानी भी बहुत स्वच्छ होता है। नदियों आदि में भी कोई गंध नहीं होता है। वहां पर थोड़े ही गंगा आदि नदियों में कचरा गिरेगा,
नदियां जड़ भी है और नदियां चैतन्य भी है। पहले परिवर्तन किस में आवेगा है? बुद्धि का सारा कमाल है, बुद्धि ही पहले परिवर्तित होती है। ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि को पहले परिवर्तित करता है। मन बुद्धि चैतन्य है जिसको आत्मा कहा जाता है। ऐसी बेहद की नदियों पर तुम कैसे अच्छे अच्छे खेल पाल करती रहेंगे, परंतु वहां गंदगी की कोई बात नहीं होगी। उसका तो नाम ही है स्वर्ग। अर्थात संस्थिति में जाने वालों का स्थान, पर प्रकृति कोई बंधन नहीं डालेगी। स्वर्ग का नाम सुनकर के ही दिल होती है कि जल्दी जल्दी पढ़ करके जावे और हम अपना बाप से पूरा वर्षा लेवे, पढ़ करके फिर और उनको भी पढ़ावे, सबको पैगाम देवे। ये भी जानते हो कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया होगा वो ही वर्षा लेंगे। अभी भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु सब तो पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुष कहा ही जाता है आत्मा को। आत्मा के उत्थान के लिए सब तो प्रयत्न करने में नहीं लग जाते। फिर भी सारी दुनिया की देखने में आती है कि बुद्धि देह के परिवर्धन में लगी हुई है और तुम तो इतना ज्ञान सुनाते हो। एक जन्म की परवरिश में लगे रहते हैं, तुम्हारे समझाने पर भी नहीं समझते कि आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। क्यों नहीं आत्माओं के बाप को पहचानते हैं? बाप बच्चों का उत्थान करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। अब जिनको तीरी पर भैंसे मिलना होगा वो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? तीरी कहा जाता है हथेली को। हथेली अर्थात बुद्धि रूपी हाथ। बुद्धि रूपी हाथ में बाप आकर के नई दुनिया की प्लानिंग दे देते हैं। चित्र भी बनवाया हुआ था कृष्ण की हथेली में, स्वर्ग का गोला दिखाते हैं। अभी वो चित्र बनाना बंद कर दिया है। क्यों?
हैं हाँ हाँ कृष्ण का चित्र पहले दिखाते थे, हर एक सेंटर के दरवाजे पर रखा रहता था, बड़ा बनाया हुआ चित्र। कृष्ण के दाएं हथेली में स्वर्ग रखा है और बाएं पांव से नरक को लात मारते हैं। परंतु जड़ चित्र बनाने वालों ने तो समझा नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो चैतन्य बात आ गई है, नई दुनिया की सारी प्लानिंग का चित्र तुम्हारी बुद्धि में आ चुका है। जिनकी बुद्धि में नई दुनिया की बात बैठ जाती है वो पुरानी दुनिया को लात मारते हैं। उनकी बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की ओर आकर्षित नहीं होगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद का ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों की भी बेहद की दुनिया है। इस बेहद की दुनिया में रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया भी है और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की श्रेष्ठ दुनिया का भी निर्माण हो रहा है। है सारी बुद्धि की बात। बाहर की दुनिया वाले जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो तो प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे बनते ही नहीं हैं। उनको तो बाप पढ़ाते भी नहीं है। तुम थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण हो। इन ब्राह्मणों की यादगार में भक्ति मार्ग में 9 कुरियां गाई हुई है। उन 9 कुरियों में ही दुनिया के बड़े बड़े फैले हुए 9 धर्मों का विस्तार होता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरी तुम्हारी है। तो जिन बच्चों को तीरी पर बहिष्ठ मिलेगा, बुद्ध रूपी हथेली में स्वर्ग का नक्शा आवेगा, वो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? खुद भी पवित्र बनेंगे, अपने परिवार को भी पवित्र बना देंगे, जो भी कनेक्शन में आवेंगे सबको पवित्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। कोई पुरुषार्थ करेंगे, कोई नहीं करेंगे। पैगाम तो सबको देंगे। जिनको जिनको पैगाम मिलता जाएगा वो प्रजा तो जरूर बन जाएंगे। बोलो कि क्यों नहीं हम एक जन्म पवित्र बनेंगे? जो एक जन्म पवित्र बनने मात्र से ही हमको विश्व की बातचीत मिलती है। भक्ति मार्ग में साधु सन्यासी जन्म जन्मांतर पवित्र बनते चले आए। जंगलों में कितनी मुश्किलें भोगते रहे,
परंतु मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तो भगवान वाच है कि अगर तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनोगे तो जरूर पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे, लेकिन बनोगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई पहले जन्म में मालिक बनेंगे, कोई दूसरे जन्म में मालिक बनेंगे, कोई नई दुनिया के अंतिम 21वें जन्म में मालिक बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही बनेंगे। पवित्र रहने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पवित्र बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो प्रजावर्ग में चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं सिर्फ यही जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, बाकी तो 84 जन्म है जिनमें 21 जन्म ऑटोमेटिक पवित्र रहेंगे और 63 जन्म यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार पवित्रता को पालन करते रहेंगे। ये रक्षाबंधन भी इस समय की निशानी है। पहले घर घर में ब्राह्मण जाकर के रक्षा के बंधन में बांधता था, ये बाप की यादगार है। तो जब बाप स्वयं हमको रक्षा बांधने आया हुआ है, रक्षा के सूत्र में बांधते हैं, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बाप तो है ही मुश्किल को सहज करने वाला, और बाप गारंटी करते हैं कि बाप ने ही सड़क का वर्षा दिया था। जिस सड़क को सुखधाम कहते हैं, ये सुख का वर्षा जो अविनाशी वर्षा है वो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। वहां आयु भी बड़ी होती है, अपार सुख होते हैं। अभी तो अपार दुखी ही दुख हैं, ये है ही दुखदम। पवित्रता से होता है सुख, बुद्धि पवित्र बनती है, अपवित्रता से होता है दुख, बुद्धि ही गंदी बन जाती है। तो वो है सुखधाम, ये है दुखधाम। तुम कोई एक को ही पकड़ करके ऐसे ऐसे समझाओ, ढेर के ढेर को सुनाने की दरकार नहीं है। वो एक मजबूती से पकड़ लेगा, समझ जाएगा, तो ढेरों को समझाता रहेगा। क्या कहा? इसके पीछे सेवा करनी है। आज के जो गुरु लोग होते हैं
महात्माएं धर्मात्माएं होते हैं, हुजूम का हुजूम इकट्ठा करके आत्मज्ञान के नाम पर क्या क्या सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम एक एक को बैठ करके समझाओ, क्या अंतर पड़ेगा हैं? एक एक को सुनावेंगे तो अंतर ये पड़ेगा कि उस एक को पवित्र दृष्टि का वाइब्रेशन मिलेगा, एक की दृष्टि का वाइब्रेशन मिलेगा। कोई प्रकार का दृष्टिगत व्यभिचार भी पैदा नहीं होगा, नहीं तो व्यभिचारी दुनिया में कैसी पैदाइश होती है और अव्यभिचारी सच्ची दुनिया में कैसी पैदाइश होती है, अंतर को जाना जा सकता है। वाइब्रेशन का भी व्यभिचार पैदा नहीं होगा, संकल्पों का भी विचार पैदा नहीं होगा। जो भी आत्मा तुम तैयार करेंगे वो वारिस क्वालिटी की आत्मा तैयार होगी। तो राजा बनाने में फायदा है, राजा माने वारसदार, या ढेर की ढेर प्रजा बनाने में फायदा है। ईश्वरीय पढ़ाई में पहले राजाएं तैयार होंगे या प्रजा तैयार होगी? कौन पुरुषार्थ करके पहले प्रत्यक्ष हो जाएंगे? राजाएं प्रत्यक्ष होंगे तो पीछे पीछे प्रजा अपने आप ही आ जाएगी। तो तुम एक को ही पकड़ करके ऐसे ऐसे समझावेंगे तो बाकी सब सुनते रहेंगे। हाँ, योग में रह करके समझाओ तो सभी को, जो भी समझने वाले आते जावेंगे वो समय को भी भूलते जावेंगे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि यहाँ कितना टाइम हो गया सुनते सुनते। इस समय सबसे जास्ती वैल्यू समय की है। तन की ताकत देंगे, धन की ताकत देंगे, लेकिन समय कोई नहीं देना चाहता है। तुम याद में रह करके समझावेंगे तो कोई भी कुछ भी कह नहीं सकेंगे। पंद्रह बीस मिनट के बदले तुम उनको घंटों समझाते रहेंगे, वो घंटों बैठ करके सुनते रहेंगे, परंतु वो ताकत चाहिए सुनाने वाले में। दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहां तो बच्चों को सर्विस करनी है, दे अभिमान में आने से डिससर्विस हो जाती है। फिर ये भी कहते हैं कि राजा बनना है तो भी देखा जाएगा कि प्रजा कहां तक बनाई है। तुम सौ को सुना देंगे तो उनमें से एक निकलेगा अच्छी तरह से समझने वाला, बाकी 99 क्या बन गए?
प्रजा बन जाती है। बाकी न प्रजा बनावेंगे न वारसदार राजा क्वालिटी बनावेंगे तो ऐसे थोड़े ही कि बाप पाग सर पर रख देंगे। बाप तो डबल सिरताज बनाते हैं, कोई ठिक्कर की पाग रखने थोड़े ही आया है। वहां तो प्रजा भी डबल सिरताजधारी बनती है, बनती है, है? प्रजा डबल सिरताजधारी बनती है। नई दुनिया में जो प्रजा क्वालिटी है वो पवित्रता का ताज तो सबके ऊपर होता है, परंतु रतन जड़ित ताज सिर्फ राजाओं महाराजाओं को ही होता है। तो वारिस क्वालिटी बनावेंगे तो वहां वो यहां भी बहुत ढेर सारी ईश्वरीय जिम्मेवारियों को उठावेंगे। बाप तो बच्चों को बहुत ही थमाते हैं, परंतु बच्चे जब करें तब ना। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है, कि हम युद्ध के मैदान पर हैं, क्योंकि ज्ञान के हथियार आदि तो हमारे पास है ही, ज्ञान खड़ग आदि है ना, ज्ञान के हथियार अर्थात पॉइंट, और ये पॉइंट्स बुद्धि में धारण करने की बातें हैं। वो हथियार भी हाथ में धारण किए जाते हैं, ये भी तुम्हारे बुद्धि रूपी हाथों में धारण करने की बात है, ये भी समझते होंगे कि हमारी स्थापना ड्रामा प्लान अनुसार हो रही है। देवी देवता धर्म का सैंपलिंग कहीं न कहीं लगता ही रहता है। तो तुम्हारी युद्ध भूमि है, कहीं जीत होती है तो कोई हार भी खाते हैं। तुम जानते हो कितने आते हैं, फिर उन आने वालों को माया पकड़ लेती है। जब माया पकड़ लेती है तो उसकी निशानी क्या देखने में आती है, है? वो निशानी देखने में आती है, जिनको जिनको माया पकड़ लेती है तो फिर वो आना बंद कर देते हैं। परंतु फिर भी बच्चों को उदास होने की दरकार नहीं है कि हमने इनके पीछे इतनी मेहनत की फिर भी आना बंद कर दिया। तुम बच्चे तो पांडव हो ना, पांडवों का चीफ कमांडर कहें व रक्षक कहें,
ये रक्षक का नाम बहुत अच्छा है। बच्चों को रावण से बचाते रहते हैं। रूहानी सेना का कमांडर कौन है? है? रूहानी सेना का कमांडर शंकर को बताया है। नाम बहुत अच्छा क्यों कहा? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। नाम में तीन अक्षर हैं, संग का र, ये तीन अक्षर है, तीन आत्माओं को लक्षित करते हैं। कौन कौन है? सब माने शिव, जिसे कहते हैं कल्पांतकारी, पुराने कल्प को अंत करने वाला है, जो काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सका। पुरानेपन को खत्म करने का, पुरानी परंपराओं को खत्म करने का, पुराने धर्मों को खत्म करने का, पुराना अर्थात तमो प्रधान। तो पहला पहला नाम दिया, उसका पहला अक्षर है संग, दूसरा अक्षर है का, का माने कृष्ण भी और का माने ब्रह्मा भी होता है, और तीसरा अक्षर है रा, रा माने राम। 33 करोड़ देवताओं में तीन ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। और तीनों का पार्ट एक स्वरूप में देखा जा सकता है। उनका मुख्य काम है रक्षक बन करके जो युद्ध करने वाले योद्धा हैं उनको रावण से बचाना। आए ही हैं बचाने के लिए। और बच करके ही बच्चों को चलना है। कि रावण का सामना करना है, है? रावण का सामना करना है या बच करके निकल जाना है? बच करके निकल जाना अच्छा है। सामना करने से खून बह जाता है, खून में शक्ति होती है। हमारा तो है बेहद का खून। कौन सा खून है? संकल्पों का खून है। बच करके निकल जाएंगे तो संकल्पों का खून बचा रहेगा। बाकी ये तो जरूर है कि हार जीत तो चलती रहती है। हार और
और जीत लड़ाई वालों की होती है। यहाँ तुम्हारी माया की लड़ाई है और ये गुप्त लड़ाई है, इसको कोई भी नहीं जानते हैं। तुम तो जानने वाले बहुत थोड़े हो, और रावण की संप्रदाय तो बहुत बड़ी है। जब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती है तो बच्चों को बहुत ख्याल होता है, परंतु बाप तो बच्चों को आदत देते हैं कि फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुमको तो जो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वो प्रारब्ध में मिलनी जरूर है, बलिए हार होती है जीत होती है, ये कोई सदाकाल के लिए नहीं है। तुम जानते हो कि दुनिया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाएगी या सतो प्रधान होगी। ये 500-700 करोड़ की दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाएगी। तो दुनिया में दुख बढ़ते ही जाते हैं और बढ़ते ही जाएंगे। उस तरफ होंगे अथाह दुख और दूसरी तरफ जहां तुम थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण होंगे वहां दुखों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। तब मनुष्य विचार करेंगे कि दुखों की दुनिया की ओर जाना चाहिए या सुखों की ओर जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में पैराडाइज को अंग्रेज लोग, जन्नत को मुसलमान लोग, बैकुंठ को हिंदू लोग कितना याद करते हैं। कभी तो ये फाउंडेशन पड़ा है। अभी तो इस सारी दुनिया को विषय सागर कहा जाता है। कोई नहीं कहेगा कि हम क्षीर सागर में हैं। फिर होगा क्षीर सागर, वहां पर कितना सुख होगा। अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो, परंतु समझ करके फिर सो नहीं जाना है। अच्छी रीति समझना है और फिर दूसरों को अच्छी रीति समझाना है। क्या समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुख की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा सुख की स्थापना कर रहे हैं? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा मीडिया ही चला गया, तो कैसे कहें कि सुख की स्थापना कर रहे हैं? हैं? समझाना पड़े कि भक्ति मार्ग में यादगार में
ब्रह्मा का कोई एक मुख नहीं है, कितने मुख दिखाई गए हैं। चतुरानन पंचानन भी कहा जाता है। जिस ब्रह्मा के शरीर छोड़ने की बात आती है वो तो नंबर वार ब्रह्मा कहा जाने वालों में से है। उस ब्रह्मा को भी यज्ञ के आदि में माँ के रूप में कंट्रोल करने वाली कोई और माता थी, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। ये भी बोला है कि उनमें बाबा प्रवेश करते थे। तो ब्रह्मा कोई एक नहीं है। जब कहा ही जाता है ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु कोई एक पार्टधारी है क्या? एक आत्मा है जिसे विष्णु कहा जाता है। ये तो कॉम्बिनेशन है। दो सोलह कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का, बाकी और भी लक्ष्मी नारायण का पद पाने वाले होते हैं, वो कोई सोलह कला संपूर्ण नहीं होते हैं। तो बोलो कि जरूर प्रैक्टिकल में जीवन में ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी हैं। हजार भुजाओं का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। हजार भुजाएं हैं तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में उन्हें चलाने वाला भी है। ब्रह्मा का नाम सुना तो है ना? तुम भी अच्छी रीति समझो तो तुम सब ब्रह्मा की संतान हो। ब्रह्मा साकार में तो ब्रह्मा की साकार संतानें भी साकार में। शिव बाबा की आत्माओं का सिजरा तो सूक्ष्म है। यहाँ साकार शक्ति पर है ब्रह्मा। तो उनको तो सभी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा के बिना दुनिया पैदा नहीं हो सकती। प्रजापिता ब्रह्मा वो है बाप, आत्माओं का पिता भी है। ये फिर है शरीरों का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा। तो प्रैक्टिकल में होगा या सिर्फ कहने मात्र होगा? प्रैक्टिकल माना क्या? साकार में प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए इस दुनिया में, और 500-700 करोड़ की प्रजा भी होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रजा कहाँ से आई? आत्माएं तो सभी वहां रहती हैं परमधाम में। मनुष्यों की आत्माएं भी रहती हैं, जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी रहती हैं,
सभी आत्माएं यहाँ आकर के उपस्थित होती हैं। पहले पहले सिजरा है मनुष्य आत्माओं का, तो प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का, और आत्माओं का सिजरा भी चित्र में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव को तो साफ जानते हैं, तो अब इनका सिजरा भी कैसे दिखावेंगे? जो पहले प्रजापिता ब्रह्मा है वो ही आदि में लक्ष्मी नारायण बनता है। कि दूसरे नंबर का जिसको प्रजापिता का टाइटल मिलता है वो पहला पहला लक्ष्मी नारायण बनता है? नहीं, जो पहले पहले प्रजापिता है वो पहला पहला लक्ष्मी नारायण बनता है। जैसे ब्रह्मा तो विष्णु दिखाते हैं, तो देवताओं का भी सिजरा है ना। उनका जन्म शुरू कहाँ से करें? नई दुनिया किसको कहें? ये है गुप्त और वो है प्रत्यक्ष। विष्णुपुरी तो वास्तविक के नाम है, क्योंकि बाप इस सृष्टि में आ करके नई दुनिया सत्यु की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, फिर ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है, बाप चले जाते हैं और सत्यु की स्थापना ब्राह्मण करते हैं। नहीं, हाँ ये कहेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु में एक जन्म का फर्क है। कैसे? ब्रह्मा है मृत्यु लोक का और विष्णु है अमर लोक का। बुद्धि तो चलती है ना, नाम ही है विष्णु। नो विषय काल, अंश मात्र भी विषय विकार नहीं रहता, ममता के संकल्पों में भी नहीं रहता, वाइब्रेशन में भी नहीं रहता, दृष्टि में भी नहीं और कर्म इंद्रियों में भी नहीं। अभी विष्णु का जन्म कहेंगे है? अभी विष्णु का नो विषय काल ऐसा कोई संगठन कहेंगे? ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, कोई भी पारिवारिक इकाई दुनिया में देखने में नहीं आती जहां विषय विकार का नाम निशान न हो। बुद्धि तो चलती है ना, दुनिया तो कुछ नहीं जानती है, तुम ही सब कुछ जानते हो। और तुमको भी किसने समझाया? मोस्ट बिलेवेड बाप ने, बेहद का बाप बेहद के बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। कौन सी सौगात? नई दुनिया की सौगात लेकर के आते हैं।
तेरी पर बहस लेकर के आते हैं। ये सुख की सौगात है और तो सारी दुनिया दुख में ही रहती है और दुख में ही अंत मते सोगते हो जाती है, फिर दुख में ही आकर के जन्म लेंगे। बाकी हाँ ये कहेंगे कि सबको शांति और सुखरूपी धन तो चाहिए, धन के बिना किसी को सुख नहीं मिल सकता। कौन से धन की बात है, स्थूल धन तो आज दुनिया में बहुतों के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बिल गेट्स वो दुखी होता है या नहीं होता है? वो भी दुखी होता है। उसका परिवार दुखी होता है या नहीं होता है? जरूर दुखी होता है। तो जरूर कहेंगे ज्ञान धन की बात है, ये ईश्वरीय ज्ञान धन है। जिस ईश्वरीय ज्ञान धन के बगैर दुनिया की कोई भी आत्मा को सुख नहीं मिल सकता। 500-700 करोड़ की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको पहले जन्म में सुख जरूर मिलता है। उस सुख का फाउंडेशन कहां पड़ता है? इस समय जबकि बाप आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कहा ही जाता है मन को। मन से ही मनुष्य बनता है। मन की शांति माना ही आत्माओं की शांति। वेदों में भी लिखा है मनरेव आत्मा। बाप भी बताते हैं मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो बच्चों को समझाने की मार्जिन बहुत है। पत्थर फेंकते रहो जो कि पूछे कि ये क्यों बनाया है, ये सब क्या है। तुम समझाने के लिए कितनी मेहनत करते रहते हो। ऐसा कोई भी साधु संत महात्मा नहीं है कि नई और पुरानी दुनिया कैसे होती है ये बैठ समझावे। कोई की बुद्धि में ही नहीं है। तुम तो समझा सकते हो। इसलिए बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाए रहे हैं। उन चित्रों को फोल्ड करके बाहर में ले जाना भी सहज होगा। परंतु वो विदेशी लोग, विधर्मी लोग तो लक्ष्मी नारायण के चित्र से इतना नहीं समझेंगे। उनको समझाने के लिए तो फिर है गोला और झाड़। बाबा को शौक है बहुत। कहते हैं ये चित्र हैं अंधों की लाठी। बच्चे जब होशियार हो जावे, देवान निकल जावे, तो फिर पुरुषार्थ यही करना है कि पिछाड़ी में शरीर छोड़े तो कुछ भी याद न रहे सिवाय एक बाप के। अगर बच्चों आदि में मोह रहेगा तो जरूर याद आवेंगे, और कुछ भी याद नहीं होगा तो जरूर ऊंच पद पा सकते हो।
बाकी तो प्रजा ढेर बनेगी। वो प्रजावर की आत्माएं कोई नष्टो मोहा स्मृति लब्धा नहीं बनेंगी। आगे चल के कोई भी रहेंगे ही नहीं जो कि तुम्हारे म्यूजियम व प्रदर्शनी में आवेंगे। ये तो बेहद की बातें हैं। जड़त्व सूक्ष्म में बदल जाता है और सूक्ष्म जड़त्व में आ जाता है। बाकी सूक्ष्म बुद्धि थोड़े होते हैं, जड़त्वमयी बुद्धि ढेर के ढेर होंगे। उनके लिए जितना शोर शराबा करेंगे उतना बहुत आवेंगे। बाबा तो कहते हैं 6x9 के ट्रांसलेट के चित्र बनाओ। वही चित्र मूर्ति घर में, वही चित्र मंदिर में, परंतु मंदिर का कितना भबका हो जाता है। तो बैज तो हमेशा लगा हुआ ही हो। इस बैज पर बैठ करके समझाओ। ओम शांति।